महामारी के शुरुआती दौर में कोरोना वायरस का केंद्र रहे इटली में अब ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की जांच की जा रही है, जिनसे नई जानकारी सामने आ रही है। कोरोना से कई महीने पहले ठीक हो चुके लोगों को एक एक करके हॉस्पिटल में बुलाया जा रहा है। खासकर इटली का बर्गामो कोरोना से काफी अधिक तबाही झेलने वाले इलाकों में शामिल था। यहाँ डॉक्टर हर ठीक हो चुके मरीज से सवाल कर रहे हैं कि क्या वे स्वस्थ महसूस करते हैं। कोरोना से बीमार रहे आधे मरीजों का कहना है कि वे पूरी तरह रिकवर महसूस नहीं कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना नेगेटिव हो चुके लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, हार्ट और फेफड़ों की जांच की जा रही है और लोगों से जिंदगी में आए बदलाव के बारे में पूछा जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी वायरस शरीर पर क्या असर छोड़ जाते हैं। डॉक्टर ने कोरोना नेगेटिव हो चुकी एक 54 इयर्स की महिला से पूछा कि आप कैसा महसूस कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह 80 इयर्स की महिला जैसा महसूस कर रही है। इटली के बर्गामो को स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना से बीमार रहे लोगों की रिकवरी अधूरी हो सकती है और कई बार उन्हें काफी लंबा वक्त भी लग सकता है। कोरोना मरीज रहे लोगों के फॉलोअप से जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल अब इटली रिसर्च के लिए भी कर रहा है। बर्गामो के डॉक्टर का कहना है कि साफ तौर से ये बीमारी पूरे शरीर पर असर छोड़ देती है, लेकिन इसका असर अलग अलग मरीजों पर भिन्न होता है। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।